चाहते हैं, खूब आनंद चाहते हैं, और उसमें दुख मिश्रित नहीं होना चाहिए। दुख अमिश्रित शुद्ध आनंद चाहिए हमें। परंतु लोग कहते हैं कुछ मोक्ष मोक्ष करके, हमको मोक्ष चाहिए। फिर मोक्ष क्या है, मोक्ष और आनंद का क्या संबंध है? कब आनंद नहीं मिलता? जब आपको किसी ने बांध लिया, आप जा नहीं सकते, खा नहीं सकते, कहीं भी आपका कोई आजादी नहीं है, तब आपको दुख आता है। इसी तरह हम लोग जब आए, हम लोग बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? आप चाहिए तो अपने घर जा सकती हैं, जा नहीं सकती है। फिर कहाँ बंधी है? मैं क्या आपको रखिए थोड़ी बंधा हुआ हूं। परंतु हम लोग तीन चीज से बंधे हुए हैं, टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट, समय और स्पेस, आकाश और तीसरा जो है बाकी चीजें। हाउ, अब देखिए, मैं 1928 में मेरा जन्म हुआ, उसके पहले 1920 में मैं नहीं था। तो समय ने मुझे काट लिया, तुम 1928 के पहले नहीं होगा। समय ने मुझे काट लिया, तो समय ने मुझे लिमिटेड कर दिया, और इसी तरह समय ने पुत्र भी काट लिया। अब 2012 चल रही, 2080 में मैं रहूंगा? बिल्कुल नहीं। तो आगे भी नहीं रहूंगा, पीछे भी नहीं रहूंगा, ये स्पेस एक जगह पर हम कर, ठीक है। और देन सेकेंडली, हमको समय ने बांध लिया, स्पेस ने कैसे बांध दिया? अब जो है, मैं यहाँ दिल्ली में केवल द्वारका में हूँ, अब मैं मोदीबाग में नहीं हूँ, अब मैं आरकेपुरम में नहीं हूँ, अब मैं अहमदाबाद में नहीं हूँ, अब मैं चेन्नई में नहीं हूँ। इस तरह करके स्पेस ने, तुम यहीं पर आए, इस तरह करके मुझे लिमिटेड कर दिया, मुझे सीमित कर दिया। तो इस तरह करके समय ने हमको सीमित कर दिया। यदि समय सीमित नहीं होगा, हम तो बहुत खुश होंगे, हमें कभी मरण ही नहीं होगा, हमें कोई भी बीमारी होगा, हमें पता है कि हमें तो मरण नहीं होने का, चलो जाने दो, बीमारी एक ना एक तो चली जाएगी। अब हमें यही डर है कि कोई बीमारी आ जाए, अरे मरने जाए, मेरे मरने जाए, अरे 85 हो गया, यही बात होती है। इसी तरह वेश, यदि आप हर जगह रहें, अब जो है कि मेरा बेटा अर्जेंटली हॉस्पिटल एडमिटेड है अफ्रीका में, मैं जा सकूँ? शायद पहले मैं उसका देख ले सकूँ, क्या पहले वो गुजर जा। यदि मैं हर जगह का, मैं कहीं भी मैं हो जा सकूँ, तब तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं मन से सोचा अभी अफ्रीका में रहूँ, अफ्रीका में रहा। इस तरह करके स्पेस टाइम एंड ऑब्जेक्ट हैव लिमिटेड है, और ये बांध, ये जो बंधन जो है, इसी से हुआ है और किसी नहीं। अब ऐसे कोई बंधन नहीं है, आप अब जाकर खाना खा सकते हैं, अब जाकर पानी पी सकते हैं, अब जाकर आप चाय पी सकते हैं, आपको किसने बांध लिया? तो हमें बांध लिया ये तीन चीजों, टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट। और यदि इन तीनों से हम रिहाई पा जाए, तब हम मुक्त, तब हम हर जगह रहेंगे, हर समय रहेंगे और हर जगह पर रहेंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि जो आखिरी, जिसको हम भगवान कहेंगे, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको आत्मन कहते हैं, वो जो आखिरी तत्व जो है, वो हर जगह है, हर समय में है। इसीलिए तो उसको हम आनंद का भंडार कहते हैं। और जो आनंद चाहिए, तो उस आनंद का भंडार को पकड़ो, उस भगवान को पकड़ो, उनके पास इसकी कुंजी है, चाबी उनके पास है, ये आनंद के सुपरमार्केट है। इसीलिए हम भगवान के पीछे लौटते हैं। और जब उनकी जो ये आ जाती है, तो मोक्ष क्या चीज है? और इन दोनों चीजों से मुक्त होना, मुझे कोई टाइम नहीं बनता, मैं केवल आत्मा हूं, और ये जो मरती है, कौन सी मरती है? ये मेरा कंटेनर मरती है। जब ये मरती है, उसके अंदर की बिजली नहीं बढ़ सकती है, ये केवल उसका कंटेनर जो है, बल्ब जो है, वही मरेगी।
हम लोग कहते हैं यह बल्ब फ्यूज हो गया, बिल्कुल गलत शब्द है। आप किसी भी देखिए फ्यूजन का अर्थ है ज्वाइन होना, किसी दो चीज को जुड़ना जो है उसी को फ्यूज, फ्यूजन फिशन उसको फ्यूजन कहते हैं। तो इसे कुछ भी जुड़ा हुआ है। जब कंटेनर बल्ब खत्म हो गया तब वो जो बिजली जो है वो कहाँ जाती, कहाँ बताओ, ये जाकर वो जो आखिरी जो सारी के टोटैलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली की जो समग्रता हर जगह जो है उसके साथ वो एकीकृत होकर फ्यूज हो जाती है। ये बल्ब नहीं फ्यूज होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज हो जाती है, परंतु हम लोग उसको कहते हैं बल्ब इज फ्यूज। ये बात होती और इस परम आनंद को कैसे पाए, हाउ टू गेट इट। अब जो है सारी इलेक्ट्रिसिटी जितने भी यहाँ पर कितने से बल्ब है, यहाँ पर 20 बल्ब है, क्या इसमें एक बल्ब 20 वाट का होगी, एक बल्ब 100 वाट का होगा, ये एक बल्ब 1000 वाट का होगा, और इन सब में एक ही बिजली आती है जहां से आती है, जो जनरेटर हो कुछ भी हो, जब एक ही बिजली आती है, जब एक ही बिजली आती है या तो सारी 1000 वाट हो या सारी 0 वाट हो, ये कैसा हुआ कि एक 0 वाट हुआ, एक 100 वाट हुआ, एक 40 वाट हुआ, ये कैसे हुई? ये उस बिजली की, बिजली का कोई दोष नहीं, ये दोष जो है वो कंटेनर जो बल्ब का है, बल्ब का दोष। उस बल्ब में एक रुकावट रखी गई है जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस माने रुकावट, रुकावट माने क्या, वो जो वहां से जो है ये सारी इलेक्ट्रिसिटी पूरी भरी हुई है इसके अंदर, परंतु उसको बाहर नहीं आने देता है, ये एक रुकावट है, वो अंदर जाकर इतनी सी बाहर देता है उसको 0 वाट कहते, और थोड़ा सा जो जनरस है वो 1000 वाट कहते हैं, और ज्यादा वो बाहर आने देता है। परंतु सारी रुकावटों को आप निकाल दें तब क्या होता है, ये जो बल्ब में जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वही इलेक्ट्रिसिटी जितने वहां जनरेटर में है, इसका उतना ही पावर है, इसका उतना ही प्रभाव है, इसकी उतनी ही महिमा है जितना वहां पर है। इसी तरह जो हाईएस्ट डिविनिटी, जो दैवी शक्ति हम लोग कहते हैं, जिससे हम लोगों को शक्ति मिलती है, हम लोग देखते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम लोग सूंघते हैं, हम लोग चलते हैं, और किसके बल से, कौन करता है? आप सभी आंख देखता है, मेरा कान सुनता है, मेरा पांव चलता है, बिल्कुल गलत। यदि यह बात हो, 2 मिनट पहले ये सब मैं करता रहा, अब मैं मरकर नीचे गिरा, मेरा कान खुला है, मेरा आंख खुला है, मैं देख सकूं, मैं सुन सकूं, क्यों? ये नहीं, ये तो गोलक है, इसके अंदर से काम करने वाला एक शक्ति है, जैसे बिजली हो ऐसे ही वो शक्ति है। ये शक्ति कब आया, जब हम लोग माता जी के गर्भ में आइए, पहले वो जो ट्यूब्स हैं जिसको फिलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, उसमें एक नॉन वेज जल के रूप में हम आइए, उसमें कोई शक्ति नहीं थी, कुछ नहीं थी, वो बिल्कुल मैटर था, इंसेंशियंट मैटर था, जड़ वस्तु थी, उसके अंदर कोई लाइफ नहीं था, ऐसी थी वो। हमारे 5वें महीने में या 7वें महीने में डॉक्टरों के मुताबिक उसके अंदर लाइफ आया, लाइफ एक शक्ति है, जो शक्ति आया वही शक्ति जो है मैं हूं, मैं वो नहीं हूं जो वहां पर पड़े हुए हैं, जो बॉडी है ये तो कंडर या बल्ब है, बल्ब तो फ्यूज हो गया, फिर कौन था मैं वो शक्ति हूं जो चलता था, जो देखता था, जो सुनता था, जो बोलता था, वो शक्ति हूं, और वो शक्ति वो शरीर के साथ पैदा नहीं हुआ, शरीर जब पैदा हो उसके 6 महीने के बाद, इसलिए हमारे भर्तृहरि को 5 महीने के बाद करना चाहिए, क्योंकि मैं शरीर में हूं। इसीलिए तो मैं अभी नींव डाला हूं। तो इस तरह का है जो हमारा, ये शक्ति, तो
ये शक्ति पूरा आपके पास आयु है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सभी में पूरे है, इसी तरह वो दैवी शक्ति पूरी है मेरे पास। जो भगवान के अंदर जितनी भी शक्ति है उतनी शक्ति आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है, हर एक के पास है, ये कुत्ते के पास भी है। परंतु ये दिखाई नहीं देता, क्यों? हमारे अंदर जो है रुकावटें आ गई, रेजिस्टेंस, जस्टिस इनेबल, देयर रुकावटें। तो रुकावटों की वजह से वो उस हमारी जो दैवी शक्तियों बाहर आने नहीं देता। यहाँ पर थोड़ा सा हुआ और उसी से हम लोगों को, हम लोग अच्छे अच्छे कर्म करते हैं और कई का कर्म करते हैं। अब जो अंधे लोग हैं उनके लिए कोई हॉस्टल बनाते हैं, और अनाथ लोग हैं जो यतीम हैं उनके लिए यतीम खाना बनाते हैं। तो इस तरह करके हम अच्छे अच्छे कर्म इसीलिए करते हैं, जो कि इतना इतना सा हमारे अंदर जो दैवी शक्ति जो है बाहर जो प्रकट होता है उसी से इतना करते हैं। यदि हमारे अंदर की सारी रुकावटें चली जाए तब क्या होगा? बिल्कुल भगवान ही होंगे। भगवान की जितनी शक्ति उतनी शक्ति हमारे पास होगा, भगवान की जितनी महिमा उतनी महिमा हम वापस होंगे, तब उनको आप पहुंचोगे, संत कहेंगे, जीवन मुक्त कहेंगे, आप जो कुछ कहिएगा वो भगवान का ही स्वरूप बन जाते। उनके अंदर जो भरी हुई जो देवी शक्ति है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। राम, अच्छा यहाँ कौन सी रुकावटें हैं? वहां तो टंगस्टन एलिमेंट है, उसमें कोई बड़ी है कोई छोटी है, उसके अनुसार रेजिस्टेंस हो जाती है। तो आपके अंदर कौन सी रुकावटें हैं? हमारे अंदर रुकावटें हैं राग और द्वेष। पहले किसी को हम ज्यादा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, और ये मेरा बेटा है, इसके लिए मैं कुछ भी करने के तैयार हूं। एग्जामिनर को हम शूट करके भी उनको मैं पास कराऊंगा, ये मेरा पड़ोसी लड़का है, शैतान, शैतानी शैतान। तो इस तरह करके किसी के पास ये, किसी के पास राग, और राग द्वेष के अलावा काम, क्रोध, लोभ। तो ये सब हमारे अंदर रुकावटें हैं, जिसकी वजह से हमारी अंदर की जो देवी शक्ति जो है ये बाहर दिखाई नहीं पड़ती। ये कैसे देखते हैं कि हमारे अंदर सारी भगवान का पूर्ण स्वरूप है? ये कई लोगों को तो मालूम है, मैंने कई बार कह चुका हूं, फिर भी मैं कहूंगा। माइकल एंजेलो एक बहुत बड़े प्रख्यात शिल्पी थे उन दिनों में, और उनके गांव में ये पत्थर बेचने वाला था जिस पत्थरों को लेकर ये लोग शिल्प बनाते थे। उसके पास एक बहुत पुराना बेकार एक बड़ा सा एक पत्थर बहुत दिनों से पड़ा था, 15-20 साल से उसका कोई ग्राहक नहीं, कोई नहीं लेता था, वो 15 साल से वहां पड़ा था। एक दिन माइकल उस दुकानदार के पास गया, भैया ये तो बेकार पड़ा हुआ है, इसको लेने वाले कोई ग्राहक नहीं, मुझे उसको कंसेंट्रेट में क्यों नहीं देते? मैं कंसेंट्रेट क्या भाई, इसको लेने वाले कोई नहीं, तुम मुफ्त में ले जाओ, तुम ले जाओ, ये जगह जेल के इतनी पड़ी हुई है, वहां पर तो मैं अच्छी अच्छी वो अब पत्थर में यहाँ रख सकता हूँ, इसको ले जाओ। ये मुफ्त में उसको ले गया, ले जाकर बहुत बढ़िया था क्राइस्ट बनाया। ये बात सुनकर वहां से पोप रोम के जो क्राइस्ट क्रिस्त लोगों के जो अधिपति थे, वो धार्मिक अधिपति, धार्मिक शंकराचार्य थे, वो अपने कॉर्डल्स को लेकर उसको देखने आए। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, ऐसे सुंदर फ्रेक्स हमने जीवन में कभी देखी नहीं, और ये बात पेपर में आ गया। दुकानदार को तभी मालूम हुआ कि उनके जो बेकार पत्थर थे इन्होंने इतनी बढ़िया एक फ्रेक्स बनाया। दौड़ कर गया माइकल के घर पर, माइकल जरा दिखाओ तो सही। दिखा, अरे भाई ऐसे बेकार पत्थर से तुम कैसे इतनी बढ़िया क्रेस को तुमने निकाला? मैंने कहा मैं निकाला नहीं, मैंने बनाया नहीं, ये पहले ही था, मौजूद था। मैंने क्या किया, केवल उस पत्थर में जो क्रेस नहीं था उस पोर्शन को चिसल करके हमने बाहर फेंक दिया, और बाकी जो रहा वही क्रेस था। मैंने क्रेस को लाया नहीं कहीं बाहर, क्रेस था उस पत्थर में, उसमें जो क्रेस का भाग नहीं था
जो उस कैद को बाहर निकलने से जो रुकावट हो रही थी, उन चीजों को हम चिसर करके निकाल दिया। बाकी तो कैद पहले ही रहा, वही उसके अंदर वो विकसित तब होगी। बस यही बात हमारा भी होता है। आपके अंदर से जो है नहीं, जो भगवान है नहीं, तो ऐसी चीजों को जो रुकावट है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या इत्यादि और अटैचमेंट, ये सब को निकालो और अंदर केवल भगवान ही भगवान है, ये हमारी सबके अंदर है। सो उसमें अंदर घेर रखी है ये राग द्वेष इत्यादि, केवल उसको निकालो, बस बिल्कुल भगवान ही भगवान अंदर बैठे हुए हैं। यही तो हमें इतना ही करना है। उसको कैसा निकालें, शिल्पी हैं वो तो औजारों से उसको निकाल लेते हैं, हमारे पास कौन सी औजार हम कैसे निकालें। केवल इतना ही है, इसको आपको अपने मन का बल नहीं मालूम है। मन के बल से ही आप सारे, आप बड़ी शिल्पी हैं। मन के बल से आप जो भगवान अंदर पड़े हैं उनकी महिमा को बाहर निकालो, उनसे तुम रोज प्रार्थना कर लो। भगवान आपको कौन कह सकता है, आपके पास कौन सी रुकावट हो सकती है। आप तो प्रभु हैं, आप तो मेरे मालिक हैं। सो आप प्रभु, आप मेरे ऊपर पूरे विकास करके मुझे अपना असली स्वरूप को दिखा दीजिएगा। प्रभु मैं तो और कुछ नहीं चाहता। जब आप हमारे साथ हैं, बिल्कुल अपने अपने ओरिजिनल स्वरूप के साथ हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई दुनिया की स्टेटस नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। प्रभु इस करके डेली 15 मिनट, हाफ एन आवर, जितने समय मिले आप केवल प्रार्थना ही प्रार्थना करें। प्रार्थना करके केवल उस भगवान का स्मरण करते, प्रभु के मालिक मैं तो तुम्हारा बंदा, मैं दासानुदास हूँ, प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तो इस तरह करके वो एक प्रार्थना ही मेडिटेशन बन गया। उस मेडिटेशन से आप समाधि स्टेट तक चले जाएंगे। जब मन और कहीं नहीं गया, इसी में रुक गया, प्रभु प्रभु मालिक 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 कहते 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 सब रुक जाएगा, मन रुक जाएगा, वाक रुक जाएगी, बिल्कुल आप उसी के साथ एक ही बोध हो जाएंगी। उसी को आप समाधि स्टेट और सुपर कॉन्शियस स्टेट कहते हैं, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। इसके लिए कोई दूसरी मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं। ये तो इस तरह करके डेली 24 घंटों में केवल आधा घंटे प्रभु के लिए आप दे दीजिएगा और अपने आप प्रभु अपने आप विकसित करेंगे। तब आपको कहीं दूर से नहीं, आप ही प्रभु बन जाएंगे, आप ही मालिक बन जाएंगे। और सारी मालिक जितने भी हैं, अब गंगा जी से आप कुछ ले आइए अपने वाटर बॉटल में, वाटर बॉटल में जो गंगा है वो उतना ही महिमा उसको जितने वो बड़ी गंगा जी की जो महिमा है, उसको थोड़ा सा भी आप डाल दें, आप समझ रहे हैं मेरा गंगा जी का स्नान हो गया आज। इसी तरह हमारे अंदर वो प्रभु है, उस प्रभु को निकालो। निकालने के लिए केवल ध्यान, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं का प्रार्थना करो। इसी से कई मार्ग हैं, प्रभु जो है वो उनका कोई पार नहीं है, उनका कोई सीमा नहीं है। ऐसे सीमा रहित, पार रहित, वन इन्फिनिट, अनवॉर्ड, बाउंडलेस, एब्सोल्यूट, उनको पाने के लिए हजारों रास्ता होगा। बट यही सबसे सस्ता रास्ता है, जिसमें आपको ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप कर सकते हैं। जब करने लगेंगे उस भगवान अपनी महिमा से आपको सपोर्ट करेंगे और उनकी भी मदद हो जाएगी, ताकि आप पूर्ण रूप से भगवान को पा सकते हैं। इफ यू गो वन स्टेप टुवर्ड्स द लॉर्ड, लॉर्ड कम्स 10 स्टेप टुवर्ड्स यू। यदि हम एक पग भगवान की ओर हम पदक्षेप करें, तो प्रभु जो है आपकी ओर 10 पग आ जाएंगे। ये जरूरी है, इसीलिए हम ऐसे ही करके हम सब लोग भगवान कृपा का पात्र बने और साक्षात भगवान की सारी महिमा को प्राप्त कर लें। और उसकी महिमा से हमको केवल उनकी चाबी चाहिए, वो सुपर मार्केट फॉर हैप्पीनेस का। सो उस आनंद के जो सुपर मार्केट का चाबी मिल जाए, हम उसी सुपर मार्केट में ही रहें,
उसी आनंद को पूरा चखते रहे सारे जीवन भर, तब हमारे अंदर कोई दुख नहीं होगा। इतना ही हमें चाहिए, इतना हमें पूर्ण रूप से मिलेगा। हरि ओम नारायण। हर बच्चे को बताने, हर घोषणा हम तो भी देते रहे हाँ, हमेशा दिया तो करने वाले कोई है।